सलमान चूंकि पीएसएल का भी एक बड़ा जोरों शोर है, बड़े लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो हम उसी से ही हारिस रऊफ से ही स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ज़रा अगर आपको कहा जाए कि हारिस रऊफ को एलैबोरेट करें तो कैसे करेंगे? आई थिंक एक ज़बरदस्त फाइंड है, लाहौर कलंदर्स को इसका क्रेडिट है, आके भाई जिन्होंने अपने ऑब्वियसली ही हैज़ अ वेरी गुड आई टू यू नो वो पिक कर लेते हैं कि इस प्लेयर में कितना पोटेंशियल है, और फ्रॉम समवेयर जहाँ पे वो टेप बॉल खेलता था शायद कहीं काम करता था उसमें लाना, फिर उसके ऊपर पूरी उनकी मैनेजमेंट जिन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया, उसको 3 साल ऑस्ट्रेलिया भेजा, वहाँ पर उसके डाइट प्लान अच्छे किए, उसको जिम ट्रेनिंग में लगाया, उसकी बॉडी का वज़न बढ़ाया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि यहाँ पे पूरा मुल्क वज़न कम करने में लगा हुआ है, उन्होंने उसका वज़न बढ़ाया और उसको एक इस काबिल किया कि वो इस पेस के ऊपर कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर सके। मैं उसकी एवरेज पेस देख रहा था बिग मैच में, 146 उसकी एवरेज पेस थी, और ये विदाउट मसल मास के मेंटेनेंस के और एक अच्छे प्लान के अलावा आप इस तरह की चीज़ें मेंटेन नहीं कर सकते। मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ जाके उसने जो है ना एक लाउड एंड क्लियर दुनिया के सामने ऐसी परफॉर्मेंस दे दी कि जो उसको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि उसने पहले पाकिस्तान कप पे बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। मैं पाकिस्तान कप पूरा खेला था और ये मेरे खिलाफ 2 मैचेस खेले थे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान कप में वहाब रियाज और हारिस रऊफ ने सबसे बेहतरीन बॉलिंग की थी। मुझे समझ नहीं आई कि उसे तब से क्यों नहीं पिक कर लिया गया, क्यों उस वक्त से उसके साथ अटैच नहीं किया गया उसको टीम के साथ, बिकॉज ही लुक्ड अपार्ट। तो आई थिंक कि वहाँ पर या तो शायद उनकी नज़र नहीं पड़ी, और अगर पड़ी है तो शायद उनको पसंद नहीं आए, लेकिन इतनी आय होनी चाहिए थी बिकॉज जिस तरह की उसने बॉलिंग पीएसएल में की, पीएसएल के बाद पाकिस्तान कप में की, तो आई थिंक ही श्योरली हैड अ प्लेस अमंग द करंट लॉट, इसमें उसकी पक्की जगह बनती थी। बहरहाल अल्लाह ताला की बेहतरी हर काम में है, अब उसने परफॉर्मेंस कर दी और अल्लाह ने ऐसे तरीके से करा दिया कि जिसको कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता, अब जिसका कोई जवाब ही नहीं है। सो आई होप दैट उसको पाकिस्तान टीम के मिक्स में लाया जाएगा और उससे फ़ायदा उठाया जाएगा और इसको सेंसिबली यूज़ किया जाएगा इंशाल्लाह। और बाकी यही है कि उसको बॉलिंग आती है, अगला गेंद भी अच्छा है, स्लोअर वन भी अच्छा है, पीछे भी बाउंसर्स भी यूज़ करते हैं, एरी फेरी नहीं है, और उसको बिग बैश में आखिरी ओवरों में यूज़ कर रहे हैं और आखिरी ओवर में एक रन दिया है, पीछे आखिरी ओवर में हैट्रिक की है, तो एक्सेलेंट रिजल्ट्स हैं, अ गुड, अ वेरी गुड प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान, और जहाँ पर T20 वर्ल्ड कप है उन कंडीशन में वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो देर इज़ नो रीज़न वाई कि उसको मौका ना मिले पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल ठीक है हाफिज़ साहब, इसका नो डाउट लाहौर कलंदर्स लेता है, उनको ये क्रेडिट लेना भी चाहिए। इसमें हमने आतिफ राना को देखा, वो बहुत खुश दिखाई दिए, समीन राना बहुत खुश दिखाई दिए, फिर आकिब जावेद जो उनके कोच भी हैं और अपने ज़माने के बेहतरीन बॉलर भी रहे हैं, तो इस तरह का टैलेंट आप समझते हैं कि कभी कभी हमारा कोई सीनियर प्लेयर अगर ये बात कर दे कि जी पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन फिर इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं और अच्छे बैट्समैन भी निकलते हैं, अच्छे बॉलर्स भी निकलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक फ्रेंचाइज लीग है, पीएसएल है, इससे फ़ायदा तो हो रहा है। खान साहब देखें, बहुत साल पहले मैं एक प्रोग्राम कर रहा था और हारून रशीद साहब गालिबन स्टूडियो में थे या टेलीफोन लाइन पर थे और हारून रशीद साहब ने ये बोला कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। ठीक है, वो गालिबन चीफ सेलेक्टर थे उस वक्त। एक बार शाहिद अफरीदी ने भी कह दिया तो तब भी तनकीद का निशाना बनाया गया। अब उस फ़ोन के फौरी बाद जनरल तौकीर ज़िया साहब का फ़ोन आया हमारे ऑफिस में, ठीक है, स्टूडियो में। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ोन लाइन पे लें, मैंने कुछ बात करनी है, और ये सामने खड़े आपके भट्ट साहब, बिलाल भट्ट साहब कैमरामैन, ये मुस्कुरा रहे हैं, ये भी उस वक्त उसी प्रोग्राम में मेरा खल थे। ठीक है, तौकीर ज़िया साहब ने फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि ये अभी जो लोग टीवी पे आपके बोल रहे थे कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, इनको ये बताएं कि टैलेंट ठंडे कमरों में बैठकर नहीं निकलता है, टैलेंट ढूंढने के लिए आपको मैदानों में जाना पड़ता है। ठीक है, ये कमरे में बैठ के कह देना टैलेंट नहीं है ये आसान है निस्बतन उसके के जब आप ग्राउंडों में जाते हैं, सख्त मौसमों में जाते हैं, कैंप लगाते हैं और आप टैलेंट हंट करते हैं, वहां से लोग निकलते हैं। तो एक बात मैं आपको ये बता दूं, आप दोनों में से कोई एक गलत जरूर है, या हारून रशीद साहब ने गलत कहा या जनरल तौकीर ज़िया साहब ने गलत कहा। अब आप आगे आ जाए उसी टैलेंट हंट के ऊपर, ये टैलेंट हंट से सामने आया ना सर, हम क्या करते हैं खिलाड़ियों के साथ, हम उनके साथ नाइंसाफी करते हैं। आबिद अली की परफॉर्मेंस आपके सामने है, बिल्कुल है, एक ऐसा खिलाड़ी जो कई बरस से पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करता रहा, आपने उसे नहीं खिलाया, जब जब खिलाया वहां वहां अल्लाह ने उसके ऊपर कर्म किया और उसने 100-100 कर दिए। आपने उसको वनडे से रोका, वनडे खिलाया 100, आपने उसे टेस्ट मैच से रोका, टेस्ट खिलाया 100, फिर टेस्ट मैच खिलाया फिर 100। ठीक है, ये था वो जो कि आपके सिस्टम में परफॉर्म कर रहा था, आपने उसे भी नजरअंदाज किया। एक ऐसा जो आपके सिस्टम में नहीं था वो सिस्टम में आया,
اس نے پرفارم کیا اور جو واٹس ایپ کہتے ہیں پلیئر ڈیولپمنٹ کی یا پلیئرس کو بنانے کی بات, اس کے اوپر مناسب انداز میں, بہتر انداز میں, منظم انداز میں وہ کام کیا گیا, جس کے بعد اس نے وہاں پر پرفارم کیا جہاں پر فاسٹ بالرز کے لیے پرفارم کرنا, وکٹس لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور وہ ایک میچ میں نہیں کیا, وہ ہر میچ میں کیا ہے. ہر میچ میں 3 آؤٹ, ہر میچ میں 4 آؤٹ, ہر میچ میں 2 آؤٹ, ہر میچ میں 24 بیس چوبیس بیس چوبیس بیس پچیس کے درمیان رنز دے رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے سوالیہ نشان ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے, اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں بالرز بن نہیں سکتے ہیں. اور آپ آگے چلیں, کتنے دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز آپ کے پاس آئے ہیں 3 سال میں. انفرادی طور پر اگر کوئی ادارہ ایک کھلاڑی محدود وسائل میں ایک کھلاڑی سامنے لے آتا ہے جو پاکستان کے لیے میچز تھا, تو جتنا انہوں نے کام کیا تھا وہ ان کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت نظر آ رہا ہے. اب جب آپ حارث کی بالنگ کو دیکھتے ہیں, جو گزشتہ برس انہوں نے پی ایس ایل کھیلی تھی نا سر, اب جب یہ بگ بیش لیگ کھیل رہے ہیں, آپ پی ایس ایل کے میچز دیکھیں اور اب آپ یہ میچز دیکھیں جو بگ بیش کے, آپ کو ان کی بالنگ میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. کس لحاظ سے؟ ان کی ایکوریسی کے دیکھیں, کتنے اچھے لائن پر اور کتنے رائٹ ایریاز پر وہ گیندیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف یارکر یارکر یا پیچھے پیچھے آؤٹ سائڈ آف سٹمپ, نہیں, وہ ہر اس جگہ پہ بلے باز کو اٹیک کرتے ہیں جہاں سے ان کو اس کو پھنسانے اور وکٹ حاصل کرنے کا موقع مل سکتا ہے. تو انہوں نے وہ تمام ہتھیار جو ان کے پاس تھے تیز بالنگ کے, ان کو آزمایا ہے اور کامیابی سے آزمایا ہے, اور لوگوں کو بتایا ہے کہ میں وکٹ ٹیکنگ ابیلٹی میرے میں ہے, اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اور ہر طرح کے کرکٹ میں اس سے اچھا گیند باز کوئی نہیں ہے جو وکٹیں لیتا ہے. ہمارے پاس عثمان شنواری بھی موجود ہے. ہم کھلاڑیوں کو یہ کہہ کے باہر کر دیتے ہیں, ایک سوئنگ کرتا ہے جی, دوجی سوئنگ نہیں کرتا, اور پائنو ایک سوئنگ نال 4 آؤٹ کر رہے ہیں نا, تو آپ کا کام ہے دوسری سوئنگ اس کی ٹھیک کرائیں تاکہ وہ 8 آؤٹ کریں. ہم نے ان کو باہر نکال دیا.